पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल ने फिर ये बताने की कोशिश की है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली का पैसा दूसरे राज्यों पर खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भट्टल ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल बड़ी कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। भट्टल के मुताबिक दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि आपका सियासी अंत नजदीक है। इन्होंने देख लिया कि ये आप वाली सरकार जेड़ी है लोकां प्रति नहीं, ये आप दा नाम लेके आम लोगों को गुमराह करके इहदा सियासीकरण करके अपनी वड्डी कुर्सी वाल नजर मारते हैं। अज मैं कहिंदा छड्ड देना चाहिंदा, केजरीवाल रिजाइन दे देना चाहिंदा है कि ये 13 चो 8 सीटां ते हार इन्हां लोकां ने हराता इन्हां नूं आप नूं, इन्हां नूं रहण दी हक ही कोई नहीं हैगा। भट्टल की माने तो पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और कैप्टन अमरिंदर को सभी नेताओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में नई टीम की बैठक जल्दबाजी में बुलाई गई थी जिसके चलते कुछ नेता शामिल नहीं हो पाए। मीटिंग विच सारे लोग आए ने, सारे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की लीडरशिप विच पूरा विश्वास किया है, सारे भरोसा है साडे लीडर ने अगे होके चल रहे ने, बड़े चंगे तरीके नाल काम कर रहे ने और उन्होंने सारे नूं अकोमोडेट करन दी कोशिश कीती है ने। सो किसी दी किसी निजी कारना करके उत्थे ना पहुंच सकण दे कारण नूं इह नहीं समझा जा सकदा कि इत्थे मतभेद है। चंडीगढ़ में मंगलवार को पंजाब कांग्रेस की नई टीम की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सुनील जाखड़ समेत कुछ अन्य नेता शामिल नहीं हो पाए थे। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया।